हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री फायर ई स्पोर्ट्स अपडेट्स के बारे में। हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज, फ्री फायर इंडियन चैंपियनशिप, फ्री फायर प्रो लीग एंड ऐसे कई सारी चीजें जो आपने मुझसे पूछी है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जिस जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट कर दी, अगर आपने नहीं चेकआउट करी तो ये जो वायरल वीडियो थी इसका मैंने पूरा माजरा आपको समझाया था, जो चीजें मुझे समझ में आ रही है। एंड ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। पहले इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने ये वीडियो पोस्ट करी इसके बाद हमारा फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल्स जो हैं, जो फ्री फायर मैक्स हो गया, हमारा मैक्स इंडिया हो गया, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी। वो थी हमारी फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का लोकेशन रिवील, जो कि बैंकॉक में होने वाला है इस बार। एंड अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद बहुत सारे लोग आकर के मुझसे मतलब पोक करने लगे या फिर पूछने लगे कि भाई यहां पे बहुत सारे टीओज ने मुझसे सवाल पूछे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे पूछा एंड कहीं ना कहीं कई सारी ऑर्ग्स के बड़े बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या सच में इंडिया में टूर्नामेंट आने वाले हैं, क्या एफएफआईसी सच में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई यहां पे अक्टूबर नवंबर में हमको देखने को मिलेगा हमारा एफएफआईसी। देखो, ये पेज अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप फ्री फायर बहुत लंबे टाइम से खेल रहे होंगे या ई स्पोर्ट्स में अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा, आपको पता होगा जब भी हमारा वर्ल्ड सीरीज आता है उसको इन गेम प्रमोट किया जाता है, इन गेम इवेंट दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स एंड बहुत सारी चीज़ें गरीना फ्री फायर इंडिया डिज़ाइन करता है ताकि उसको एक ग्लोबल तौर पर सेलिब्रेट करा जाए, क्योंकि वर्ल्ड सीरीज एक वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन है कि भाई यहाँ पर हम लोग एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट लेकर आए हैं एंड वर्ल्ड वाइड ऑडियंस देखती है। अगर आपको याद होगा इस बार हमारी इंडियन टीम नहीं थी हमारे वर्ल्ड सीरीज के अंदर, फिर भी इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था हिंदी में, तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई यहां पे वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट करा जाता है एंड वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के सामने पूरा शो लेके आया जाता है ताकि आप लोग ई-स्पोर्ट्स के लिए अवेयर हो। अब ये जो पेज है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इन गेम प्रमोशन का पेज है जहां पे इन गेम आइटम्स, इवेंट्स और गेम को प्रमोट किया जाता है, बट एक्चुअल में जो भी ई-स्पोर्ट्स अपडेट्स आते हैं वो आते हैं फ्री फायर ई-स्पोर्ट्स इंडिया के पेज पे। तो ये वो पेज होने वाला है जहां पे काफी लंबे टाइम से कोई भी अपडेट नहीं आया है। स्प्रिंग के टाइम पे जब थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर रहे थे, स्प्रिंग की जब डिटेल्स आ रही थी उसके बाद से यहां पे कोई अपडेट नहीं है, तो वी नेवर नो कि भाई क्या प्लान होने वाला है। क्योंकि यहां पे अगर हम बात करेंगे, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इंडियन चैंपियनशिप आने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत पहले भी एक बात बताई थी मैंने, सारी लाइव स्ट्रीम भी बताई थी, हमारा जो एफएफआईसी का जो फॉर्मेट होता है फॉल का 2022 का, अगर आप देखोगे 8वें महीने 29 तारीख 29th ऑगस्ट से स्टार्ट हो गया था। अगर आप फॉल 2021 का देखोगे तो 17th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो गया था और आज 17th ऑफ सितंबर 2022 है। आज कोई भी अपडेट नहीं है हमें कि एफएफआईसी होने वाला है नहीं होने वाला, और जैसे कि आपको खुद भी पता है कि किस तरीके से एफएफआईसी से ग्लोबल टूर्नामेंट के लिए टीम जाती है आगे, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ है कि भाई एफएफआईसी नहीं होगा। मैं तो अगर बताऊं अपनी साइड से, देखो गरीना ऑफिशियल साइड से नहीं बोल रहा हूं, एज अ इंडिविजुअल साइड से बोल रहा हूँ, मुझे 70% से 90% यार 70 भी छोड़ो 90% से ज्यादा लग रहा है एफएफआईसी नहीं होगा। अब आप बोलोगे अगर एफएफआईसी नहीं होगा तो कौन सा टूर्नामेंट होगा, फिर कोई टूर्नामेंट करवाएगी नहीं करवाएगी गरीना फ्री फायर स्पोर्ट्स इंडिया। देखो एफएफआईसी में हम लोग ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं, बट आपको पता है कि साथ ही साथ जो प्रो लीग होता है वो हमारे एफएफआईसी से कनेक्ट होता है। अगर यहाँ का प्रो लीग देखोगे समर या विंटर, एफएफआईसी से कनेक्ट होता है। तो अगर हमारे एक बार दोबारा से ये पूरा अगर गेम वापस आ जाती है, ई स्पोर्ट्स इंडिया वापस एक्टिव हो जाती है, तो नेक्स्ट जो पॉसिबल टूर्नामेंट देंगे वो होगा हमारा प्रो लीग विंटर्स। और इस बार जो आपने देखा होगा प्रो लीग विंटर्स हुआ था हमारे फर्स्ट मंथ 8th ऑफ जैन 2021 से स्टार्ट हुआ था और 30th ऑफ जैन 2021 को खत्म हो गया था। तो इस साल हो सकता है अगर गेम टाइम पर वापस आ जाती है नवंबर तक या फिर दिसंबर तक, तो हाँ आपको प्रो लीग नेक्स्ट आपको टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जो कि चांसेस है, और यहां से फिर एफएफआईसी कनेक्ट होगा, फिर उस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। क्योंकि डायरेक्टली एफएफआईसी करवाना वो थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और इस टाइम पे गेम है भी नहीं हमें हमारे प्ले स्टोर पे, तो काफी कम चांस है। मैं अपनी इंडिविजुअल साइड से बता रहा हूँ आपको ये, तो ये मुझे नेक्स्ट टूर्नामेंट लग रहा है जो प्रो लीग होगा, और आपको ये दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि प्रो लीग होने वाला नहीं होने वाला। बट अभी के टाइम पे कोई भी क्लियरेंस नहीं है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा होने वाला, और इस चीज को इस वीडियो को बहुत सारे लोग कहने लगे भाई इंडिया में टूर्नामेंट होने वाले। आपको वर्ल्ड सीरीज के यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे आने वाले टाइम को, बहुत सारे पोस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पेज है वर्ल्ड सीरीज को प्रमोट करने के लिए, ये है इन गेम आइटम्स को, इन गेम इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि गरीना बहुत टाइम पहले बता दिया कि गरीना फ्री फायर अब यहाँ पे ग्लोबल कैलेंडर को फॉलो करेगी इंडिया के अंदर, और ग्लोबली कौन सा इवेंट सबसे बड़ा इवेंट आएगा, एफएफआईसी।
तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको FFIC के बारे में बता दिया, चलो वर्ल्ड सीरीज अभी जो हमारा बैंकॉक होने वाला है उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस बार के अंदर आपको काफी नॉर्मल सा फॉर्मेट मिलने वाला है। ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर आपको यूरोप नजर आएगा, जबकि कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे ताइवान होता था। बट ताइवान के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ताइवान से हर बार LGDS ही क्वालिफाई करती है। अगर आप देखोगे LGDS की हिस्ट्री, LGDS का रिजल्ट है इंटरनेशनल टीयर 1 टूर्नामेंट्स के अंदर। अगर आप देखोगे टीयर 1 के अंदर उन्होंने 2019 हमारा वर्ल्ड सीरीज खेला, 2020 हमारा एशिया खेला, सिंगापुर खेला, मतलब एशिया चैंपियनशिप 2021 खेली, सेंटोसा खेला। बट अगर आप देखोगे पोजीशन, यहां पे कहीं ना कहीं टीम कमजोर होती चलेगी, जहां पे आप देख सकते हो कि ज्यादा अच्छी स्टैंडिंग्स नहीं आ रही है। एंड अगर हम बात करेंगे ताइवान के अंदर, अगर आप गेम का क्रेज देखोगे तो बहुत कम है, वहां ऐसा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर आप नोटिस करोगे तो ताइवान, मतलब जो हमारा ताइवान है LGDS है, जिनका समर कप ऑलरेडी हो चुका है, उसमें LGDS इस बार भी क्वालिफाई कर गई है। ये हर बार टीम आती है इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, हर बार ताइवान डोमिनेट करके क्वालिफाई करके यहां तक आती है। बट कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पर टूर्नामेंट का, वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा पीछे रह जाती है। और देखोगे अगर आप पहले के टाइम पे तो LGDS को डायरेक्ट स्लॉट मिलता था हमारे ग्रैंड फाइनल के अंदर। अगर आप देखोगे फाइनल्स के अंदर, ये वर्ल्ड सीरीज होने वाली हमारी, आप लोग देखोगे कौन सी वर्ल्ड सीरीज होने वाली है, वर्ल्ड सीरीज 2021 सिंगापुर है ये, और इसके अंदर LGDS को ग्रैंड फाइनल के अंदर डायरेक्ट स्लॉट मिला था। बट उसके बाद जितने भी टूर्नामेंट्स हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके LGDS को प्लेन्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है। और वहीं अगर हम बात करेंगे यूरोप के अंदर गेम का क्रेज भी ज्यादा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूरोप के अंदर आपको गेम का क्रेज भी मिलता है। सेकंड चीज आपको ये मिलती है कि वहां पे बहुत अच्छे से प्रमोट भी किया जाता है, एंड ये सारी चीजें हैं कि वहां की टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यूरोप की, CIS की, तो इसलिए वहां की टीम्स को अब ग्रैंड फाइनल के अंदर स्लॉट मिलना स्टार्ट हो गया है। इंडिया के स्लॉटिंग के बारे में आपको पता है कि इंडिया में FFIC नहीं होने वाला, तो अगर FFIC नहीं होगा तो यहां पे आपको कहां से हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिलेगा? आपको खुद पता है FFIC ही कनेक्ट करता है, ब्रिज करता है, जिस जो शेड्यूल बनाया जाता है उसी को फॉलो करा जाता है। अब ऐसा तो नहीं है भाई देखो मेरा मूड नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, लास्ट में जाते जाते एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एनुअल एग्जाम होना है एंड जो कि मैच में होगा, मैच में मेरा मन कर रहा है कि यार मैच में ठंडी होती है, मैं जाना चाहता हूँ हिल स्टेशन। मैं अपने ट्यूशन, मतलब अपने स्कूल टीचर्स को एंड अपने यहाँ पे बोर्ड को एग्जाम, मतलब एक लेटर लिखता हूँ कि यार अभी मेरा हिल स्टेशन जाने का मन है, क्यों ना एग्जाम को समर्स में कराया जाए, अभी मैं हिल स्टेशन जाना चाहता हूँ, मार्च में मजा आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, जो चीजें शेड्यूल कर दी जाती हैं, जो कैलेंडर है उसी को फॉलो कराया जाएगा इंटरनेशनल तौर पे। तो मुझे लगता है FFIC तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला अभी, इंडिविजुअल तौर पे मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी चीजें निकल के आएंगी मैं आपको समझाता रहूंगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, होपफुली मैंने आपके इन क्वेश्चंस का आंसर करा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ऐसे ही लाइक कर देना, चैनल पे अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन ऑल पर डाल देना। बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं जा रही, अगर फिर भी लकीली आप इस वीडियो में पहुंच चुके हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करके आपको दोबारा सब्सक्राइब पर प्रेस करना है, बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन ऑल पर डालनी है, ये आप कर लेना, दोस्तों को शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।